ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा ने बहुत प्यारी प्यारी मुरली हम बच्चों को सुनाई। बाबा की मुरली तो रस की पूरी है, एक एक लाइन में रस टपकता है। हमारे लिए ये बाबा की लोरी भी है तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी हैं। इसमें साहित्य के नौ रस भी हैं, इसमें अतींद्रिय रस भी है। तो ऐसी मुरली हमने सुनी। अब ये मुरली के आधार पे ही कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। मुरली में एक लाइन आई कि अभी बस आपको फरिश्ता बनना है, दाता बनना है, वरदानी बनना है, क्योंकि अभी संगम युग का ही अंतिम समय चल रहा है। तो अब हमारा स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। थोड़े दिन पहले एक वरदान आया था जिसमें बाबा ने कहा था कि जब आप डबल लाइट बन जाते हो तो साइलेंस के साइंस पर जीत हो जाती है। मतलब हमारी फरिश्ता स्थिति ही साइलेंस की स्थिति ही साइंस पर जीत का आधार है। तो वो डबल लाइट स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, उसके ऊपर अभी मैं चर्चा करने वाली हूं। उसी को बाबा कर्मातीत स्थिति कहता है, शब्द अलग अलग देता है, बात एक ही है। उसी को निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति कहता है और वही फरिश्ता स्थिति है। साकार मुरली में फरिश्तों की चर्चा नहीं आती है, लेकिन जब विदेशी आने लगे 72 में विदेश में पहला सेवा केंद्र खुला और उसके बाद बाबा की सब अव्यक्त मुरलियों में फरिश्तों की चर्चा आई, क्योंकि विदेशों में सब जगह फरिश्तों की महिमा होती है। तो बाबा ने मुरली में कहा कि पहले आप ब्राह्मण बनते हो और ब्राह्मण से आपको फरिश्ता बनना है, क्योंकि जब तक आप फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक आप देवता नहीं बन सकते। हाँ, कुछ आत्माएं डायरेक्ट ब्राह्मण से देवता बनेंगी, उन्हें फरिश्ता बनने का समय मिलेगा ही नहीं, पर उनके नंबर कम हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कोई थोड़ा सा भी ज्ञान ले ले तो वो भी आ जाएगा। तो त्रेता की तो 33 करोड़ आत्माएं हैं, उन्हें फरिश्ता बनने का समय कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम बच्चे पहले जन्म में आना चाहते हैं, ऊंचा पद पाना चाहते हैं, तो हमें फरिश्ता स्थिति बनानी है। फरिश्ते की विशेषता क्या होती है? फरिश्ते में बहुत विशेषता है। फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचा है। फरिश्ता हमारे पुरुषार्थ की टॉप स्टेज, देवता तो उससे नीचे, लेकिन टॉप पे हम टिक ही नहीं पाते। सृष्टि का नियम है परिवर्तन, इसलिए हम टॉप पे पहुंचते हैं, फरिश्ते बनते हैं, मतलब कर्मातीत बनते हैं, उसके बाद देह छूट जाती है और उसके बाद नया जन्म मिलता है, देवता बन जाते हैं, फिर कला उतरनी चालू हो जाती है। तो इधर से टॉप पे जाते हैं, उधर से उतरना चालू हो जाता है, लेकिन टॉप पे पहुंचना भी जरूरी है। तो हम अपनी बात को सरलता से समझने के लिए एक बूंद का उदाहरण लेते हैं। जो पानी की बूंद, और आत्मा भी तो एक बूंद ही है ना, बिंदु ही है ना। पानी की जो बूंद है उसका घर है बादल, उसका पिता है बादल, और वो बादल में एकदम अपनी प्योरेस्ट स्टेज में बैठी रहती है। जैसे हम परम धाम में बाबा के पास अपनी बिल्कुल पवित्र स्टेज में बैठे होते हैं, फिर बरसात की सीजन आती है
तो बूंद को कहा जाता है कि अब तुम नीचे जाओ। ये प्रकृति की ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। तो बूंद बादल से निकली, अपने पिता के घर से निकली, और निकलते ही जैसे इस एटमॉस्फेयर में आई, पांच तत्वों में, आजकल बहुत पोल्यूशन है, नीचे नीचे तो बहुत है, तो कुछ पोल्यूशन तो बूंद में ऊपर से नीचे आते आते ही मिक्स हो गया। पहले ऐसे नहीं था, पहले तो लोग पानी की डायरेक्ट बूंद को इकट्ठा करते थे, उसे औषधि बनती थी, उसको पीते थे, उसे कई बीमारियां ठीक हो जाती थी क्योंकि बिल्कुल प्योर होती थी। और फिर वो किसी के आंगन में गिरी। अब जब किसी के आंगन में गिरी तो उस आंगन में जो भी मिट्टी है, कंकर है, बाल है, कीटाणु जीवाणु है, वो भी उसमें मिक्स हो गए। अब हम अपना देखें, हम भी परम धाम से निकले और नीचे टपके बूंद की तरह से, और किसी के आंगन में ही तो टपके, सतयुग में पहले पहले किसी के आंगन में ही तो आए थे, देवताओं का आंगन था। लेकिन जैसे ही शरीर में आए तो शरीर में आते ही आत्मा की कला उतरनी चालू हो गई ऑटोमेटिक। पहले जन्म से ही तो बूंद मैली होनी शुरू हुई और हमारी कला उतरनी शुरू हुई। अब आगे बूंद का क्या हुआ? बूंद उस आंगन में ही नहीं रहती, क्योंकि बूंद का काम है बहना, तो वो आंगन की और बूंदों के साथ मिलके नाली में गई, नाली से बाहर गई तो बड़े नाले में गई, और ऐसे उसमें और अधिक गंदगी और अधिक गंदगी और अधिक गंदगी मिलती गई, वो बहुत मैली हो गई। और इधर क्या हुआ, सतयुग के आंगन से हम अगली बार दूसरे आंगन में गए, तीसरे आंगन में गए, 21 जन्म हमने सतयुग त्रेता में आंगन बदले, कुछ ना कुछ तो मिक्स हुआ, 16 कला से 8 कला बनी, फिर द्वापर युग में भी बहते रहे जन्म जन्म, और बहते बहते कलयुग के अंत में जब आए तो हमारे में भी बहुत अशुद्धि मिक्स हो गई थी, एकदम हम काले हो गए थे, कमजोर हो गए थे, पतित हो गए थे, तो उधर तो बूंद बहते बहते काली हो गई, इधर हम बिंदु आत्मा जन्म लेते लेते काली हो गई। अब प्रकृति का नियम ये है कि प्रकृति को अपना साइकिल चलाना है, परमात्मा को भी आत्माओं का साइकिल चलाना है, प्रकृति को भी अपना साइकिल चलाना है, क्योंकि बूंद अगर मैली होती रही ऊपर से आके नीचे तो फिर अगली बार बरसात कैसी होगी। तो प्रकृति के पास एक बहुत सुंदर तरीका है उस मैली बूंद को स्वच्छ करने का। एक तरीका तो होता है फिल्टर करो, लेकिन हम पानी को फिल्टर करते हैं तो वो भी इतना शुद्ध नहीं बनता, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धि उसमें रह ही जाती। और फिल्टर करने का काम तो मानवीय प्रयास है, मानवीय प्रयास कभी परफेक्ट नहीं होते। तो प्रकृति ने उसके लिए क्या नियम बनाया कि ये जो बूंद है ये अभी अपने स्थूल रूप में है। प्रकृति उस बूंद को भी फरिश्ता बनाएगी, तभी शुद्धिकरण होगा। वो अपना स्थूल रूप छोड़ के सूक्ष्म रूप में आएगी तब उसका शुद्धिकरण होगा। और इसके लिए किसकी मदद चाहिए? सूर्य की मदद चाहिए। तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जहां भी पानी है सब जगह सूर्य की किरणें पड़ती हैं, केवल समुद्र पे ही किरणें नहीं पड़ती हैं, जहां भी पानी है, गंदे नाले का पानी है, गंदी नदी का पानी है, और जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है तो बूंद अपने स्थूल रूप को छोड़ देती है और उसका वाष्प रूप बन जाता है, और वाष्प रूप में
हल्के रूप में वो ऊपर उड़ती है और फिर से अपने पिता की गोद में चली जाती है। मतलब वाष्प ऊपर इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, सब बूंदें ऊपर इकट्ठी होती रहती है। तो देखो बूंद का शुद्धिकरण हो गया ना। और इधर हम भी कलयुग के अंत में बिल्कुल काले हो गए थे, तो बाबा ने कहा पहले ब्राह्मण बन। हम ब्राह्मण बन गए, लेकिन देखने में आया कि ब्राह्मण रूप भी स्थूल रूप है। शरीर की स्मृति तो रहती है ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, मैं किस जाति का हूँ। तो बाबा ने कहा इस ब्राह्मण स्थिति से भी और सूक्ष्म स्थिति में आओ जिसमें कोई हद ही ना। अब जो फरिश्ता रूप है उसमें कोई हद ही नहीं। देखो फरिश्तों में कोई मेल फीमेल नहीं होता, ये फरिश्ता है ये फरिश्ती नहीं होता। फरिश्तों में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, ये हिंदू फरिश्ता है ये मुस्लिम फरिश्ता है। फरिश्तों में कोई जापानी फ्रांसीसी नहीं होता, फरिश्तों में कोई बूढ़ा जवान नहीं होता, ये बूढ़ा फरिश्ता है जवान फरिश्ता। फरिश्तों में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं होता। अब ब्राह्मण स्थिति में तो ये भेद होता है, ये जवान है ये बूढ़ा है, ये मेल है ये फीमेल है, ये भारत का है ये विदेश का है। लेकिन फरिश्तों में सारी बाउंड्री हट जाती है। जब हम देवता बनेंगे तो भी हदें होंगी, लक्ष्मी नारायण मेल फीमेल हदें हैं, उनके एक दो बच्चे हदें हैं, लेकिन फरिश्तों की तो कोई हद नहीं, ना उनका कोई अपना बच्चा है, ना उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है, ना उनका अपना कोई देश है। वो केवल और केवल भगवान के दूत, भगवान के मैसेंजर, भगवान से मैसेज लेके आते हैं और नीचे के लोगों का मैसेज भगवान को देते हैं, ऐसा दुनिया में कहती है। एक वो अबू की कहानी आती है ना बच्चों की किताबों में, अबू बिन आदम। एक दिन वो अपने कमरे में सोया था तो उसने देखा कि कमरे में अचानक रोशनी हो गई, तो उठा तो देखा एक फरिश्ता चमकता हुआ कमरे में आके बैठ गया, उसके हाथ में एक डायरी है। तो उसने पूछा तुम क्या लिख रहे हो? बोला मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो अबू ने कहा इसमें मेरा नाम है? बोला नहीं इसमें आपका नाम नहीं। तो अबू ने कहा अच्छा अगर आप कभी ऐसी डायरी बनाओ कि जो हर एक मनुष्य से बहुत प्रेम करता है तो उसमें मेरा नाम लिख लोगे? बोला हाँ उसमें लिख लूंगा। तो फरिश्ता अपना काम पूरा करके वापस चला गया। फिर अगले दिन आया तो पूछा कि आपने मेरा नाम लिखा? बोला हाँ देखो। तो वो डायरी दिखाई तो बोला इस डायरी में भगवान ने सुधार कर दिया, जो इंसानों से प्रेम करता है वो भगवान से भी प्रेम करता है, इसलिए इस डायरी में आपका नाम सबसे ऊपर। तो इस प्रकार की कहानियां दुनिया में फरिश्तों के लिए प्रचलित, वो मनुष्यों की बातें ईश्वर को पहुंचाते हैं, ईश्वर की बातें मनुष्यों को पहुंचाते हैं। तो जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी फरिश्ते बनो, अपने चारों ओर एक लाइट का ओरा देखो, उस ओरे के बीच में मैं आत्मा हूं। तो डबल लाइट रहो, काम करो। फरिश्ता तो काम भी कर सकता है, फरिश्ते को हाथ तो होते हैं ना, लेकिन लाइट के शरीर में काम करो, लाइट के शरीर में चलो, क्योंकि जैसे बूंद लाइट बनी तो उसका प्योरिफिकेशन होगा। आप भी जब लाइट बनोगे तभी आपका संपूर्ण प्योरिफिकेशन होगा। ब्राह्मण रूप में हम प्योर तो बन गए, लेकिन 100% प्योरिटी तब आएगी जब आप फरिश्ता बन करके चलोगे, फरिश्ता बन के देखोगे, उसमें सारी हदें खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है
और इसके लिए अभी हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए हमें बार बार अटेंशन देना है कि मैं डबल लाइट हूँ। डबल लाइट का मतलब होता है, एक तो आत्मा लाइट है ही, रोशनी है, और दूसरा वो हल्की भी है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव, किसी भी प्रकार का मेरापन, ये सब बोझिल करते हैं आत्मा को। तेरा तेरा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कोई बात आई, परिस्थिति आई, कोई घटना घट गई, बीमारी आ गई, कोई घाटा लग गया, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन बाबा जाने, बाबा का काम जाने, मेरे ऊपर बोझ ना आए। तो एक तो बोझ ना आए, वो हल्कापन, और दूसरा मैं आत्मा हुई लाइट, आत्मा तो प्रकाश रूप है, तो डबल लाइट हो गई, हल्की भी हो गई, प्रकाश रूप भी हो गई, इसको कहते हैं डबल लाइट। अब ऐसा बनने के लिए हमको पुरुषार्थ क्या करना है? तो पुरुषार्थ तो बाबा ने बच्चों को बता रखा है, सबसे पहले इस देह के भान से घड़ी घड़ी डिटैच हो, घड़ी घड़ी अपने से पूछना कि मुझे देह की स्मृति तो नहीं है, मैं किस भान में हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या चिंतन कर रहा हूं, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र क्या देख रहा है, मेरे मन के विचार क्या है। घड़ी घड़ी देखो, मन के विचारों में दे की प्रवृत्ति वो तो नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने मेरा स्वरूप है, मैं कितना सुंदर दिव्य चमकता हुआ सितारा, सामने वाले का दिव्य स्वरूप है ये भी चमकता हुआ सितारा है, तो खुद भी फरिश्ता, क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, आत्मा के प्रकाश को अपने चारों ओर देखेंगे तो खुद को भी फरिश्ता महसूस करेंगे, सामने वाले को भी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि चाहे कोई काला कोयला भी हो, ये भी 96 दिसंबर की मुरली है जब डायमंड होल का उद्घाटन हुआ था, पूरी मुरली बाबा ने डायमंड और फरिश्तों पे चलाई थी। तो बाबा ने कहा भले सामने वाला काला कोयला भी हो, लेकिन आप उसको फरिश्ता देखो, हो सकता है आप उसे फरिश्ता देखो तो उसका कोयलापन थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि जब हम किसी को आत्मा रूप में देखते हैं तो उसको बल मिलता है, देह की दृष्टि से देखते हैं तो वो कमजोर हो जाता है। तो पहला पुरुषार्थ जो ब्रह्मा बाबा का पहला पुरुषार्थ था, लिख लिख के अभ्यास किया, जसोदा आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, पुट्टू भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, तो भले हम लिखें ना, और अगर हमें समय मिलता है और बैठ के लिख सकते हैं तो लिखें भी, अच्छी बात है, लिखने से बात और ज्यादा पक्की हो जाती है। पहला अभ्यास, एक कहानी सुना देती हूँ, कहानी तो सबको अच्छी लगती है। इस देश में एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिनका नाम था महर्षि रमण। जब वो 14 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, घर के लोग रोने लगे। उसने पूछा आप लोग रो क्यों रहे हो, तो सबने कहा तुम्हारे पिताजी चले गए। तो बच्चा घर से बाहर गया, देखो पिताजी कहाँ चले गए, ढूंढू तो सही। तो उसने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति सफेद चादर ओढ़ के सोया हुआ है। तो उसने चादर हटा दी और देखा अरे पिताजी तो ये सोए पड़े, तो बहुत खुश हुआ, घर की तरफ भागा, बोला मैंने पिताजी को ढूंढ लिया, वो बाहर लेटे हुए हैं चद्दर उड़ के। तो घर के लोगों ने कहा वो पिताजी नहीं है। बोला मैं पिताजी को पहचानता नहीं क्या, पिताजी हैं, चलो आपको दिखाऊं। बोला अरे बेटा वो पिताजी नहीं है। तो बोला पिताजी कहाँ है, तो पिताजी तो ऊपर गए। तो जब घर के लोगों ने कहा पिताजी ऊपर गए, तो बच्चे के मन में
एक सवाल कौन था, एक ऐसा सवाल जिसने उसको महर्षि रमण बना दिया, जो आज तक किसी के मन में नहीं, कौन था, किसी ने नहीं पूछा, पर उस बच्चे ने पूछा। बच्चे ने अपने घर वालों से पूछा कि आप कहते हो पिताजी ऊपर गए और मैं कहता हूं बाहर सोए हुए, ये मेरे पिताजी दो कैसे हो गए? इतने वर्षों से मैंने एक पिता को देखा, आज ये दो कैसे हो गए? और आपने मुझे सिखाया कि बाप तो एक ही होता है, तो इनमें से मेरा असली बाप कौन सा है? घर वाले मौन, कभी ऐसी दार्शनिक बातें ना सुनी थी ना पढ़ी थी, किसी ने जवाब नहीं दिया। बच्चे ने कहा, जब तुम मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते, पर मैं इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा। उसने घर छोड़ दिया, एक मंदिर में रात गुजारी। मंदिर में चींटियां बहुत थी, उसको काट लिया और उसके शरीर से खून निकला। उसके मन में फिर प्रश्न आया कि ये खून किसमें से निकला? ये जो नीचे पड़ा रहेगा, मैं भी दो हो जाऊंगा कभी, ये उसमें से निकला, जो ऊपर चला जाएगा उसमें से निकला? मंदिर के पुजारी से सवाल पूछे, उसने जवाब नहीं दिया, उसने मंदिर छोड़ दिया और फिर भारत के तीर्थों पे भटकता रहा, घूमता रहा। अंत में उसे उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला होगा? दोनों में से असली बाप कौन सा है? जो बाहर चद्दर ओढ़ के लेटा है वो वाला, या जो ऊपर गया वो वाला? असली कौन सा है? शरीर का तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, ऊपर वाला असली है और जो चद्दर ओढ़ के लेटा वो नकली है। तो एक सवाल ये है कि हम सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं, ये असली वाला है कि नकली वाला है? हम आप लोग असली देखते हो? उठते ही आत्मा को देखते हो पक्का? अगर दिख जाता तो क्या लेते हैं, कोई नकली वाला तो नहीं देख लेता? कि हमारे भी दो चेहरे हैं। कई लोग कहते हैं ना, असली नकली चेहरा, इस पे गीत भी बना हुआ है, छिपाए नहीं छिपेगा असली नकली चेहरा, ऐसी गीत। तो असली चेहरा कौन सा है? वो तो ढका हुआ है, और जो नकली है वो बाहर है। वैसे भी असली चीज की कीमत ज्यादा होती है, उसे ढके रखते हैं। तो उस असली को देखना, असली अर्थात सत्य, वो मेरा सत्य स्वरूप, सत्य में टिकना, सत्य को अनुभव करना, सत्य का चिंतन करना, सत्य का ही वर्णन करना। और वो सत्य स्वरूप बड़ा आनंदकारी है। उस सत्य में अतिंद्रिय आनंद भरा है। उस सत्य स्वरूप का जितना भी चिंतन कर ले, आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बाहरी रूप का चिंतन कर भी ले तो थक भी जाते हैं, और भी कई नेगेटिविटी आ जाती है। तो फरिश्ता बनना है तो निरंतर सत्य में टिके रहना पड़ेगा, पहला। और दूसरा, देह के संबंध, देह के संबंध भी कैसे हैं? अभी हमने अपने असली रूप की बात की, अभी हम देह के संबंधों के भी असली नकली रूप की बात करेंगे। देह के संबंधों में हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा काका, ये सब देह के संबंध है ना। कुछ नजदीक वाले होते हैं और कुछ दूर वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं ये मेरा है,
लेकिन सवाल ये है कि जिनको मेरा कहते हैं, क्या उनका कोई गारंटी कार्ड हमारे पास है? भाई ये मेरी माँ है और मैं जब तक जीऊंगा मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, क्योंकि ये मेरी है, मेरा इस पे हक है, ये मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। गारंटी है क्या? ये मेरा पिता है, मेरे साथ रहेगा, कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मेरा है, मेरा हक है। गारंटी है क्या? तो जिस चीज की गारंटी ना हो वो चीज नकली नहीं होती है क्या? ये आहुजा का है तो इसकी गारंटी है। कई कंपनियां होंगी, मुझे तो आहुजा ही याद है, तो कहेंगे भाई 5 साल का एक वारंटी कार्ड या जो भी कुछ हो साथ में देते। लेकिन कई नकली कंपनियां ऐसे माइक बनाती और साथ में न गारंटी न वारंटी कुछ नहीं देती। तो आप भी चीज खरीदते हो तो सावधानी से खरीदते हो ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द होता है याद नहीं आ रहा, मतलब गारंटी की चीज। तो जिन रिश्तों की कोई गारंटी नहीं, क्या वो नकली नहीं है? क्या मां नकली नहीं है? क्या पिता नकली नहीं है? क्या भाई बहन नकली नहीं है? क्या बेटा नकली नहीं है? कभी भी छोड़ के जा सकते, क्योंकि गारंटी नहीं। तो कहीं हम नकली चीजों से तो नहीं चिपटे बैठे और वो नकली एक दिन अचानक धोखा दे गई, फिर कहती है अरे ये क्या हुआ, अरे पता ही था नकली चीज है, कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी टूट सकती है, कंपनी ने गारंटी ही नहीं ली। किस माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो साथ में गारंटी कार्ड दिया था कि मेरा ये बच्चा 100 साल जिएगा ही जिएगा, भले माँ बाप को हम रचयिता कहती पर रचयिता ने कब गारंटी दी? पल का भरोसा नहीं, बच्चा कल भी जा सकता। इसलिए कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। ये काया झूठी है, ये पता नहीं दोपहर भी होने दे या ना होने दे, और ये रिश्ते भी झूठे हैं, पता नहीं कब कौन, और अगर देहना छोड़े तो भी कब कौन परदेश चला जाए, कब कौन धोखा दे दे, कब कौन मुंह फेर ले, और भी तो बहुत बातें हैं। तो रिश्ते झूठे हैं, फिर सच्चा कौन? जब हम भगवान से नहीं मिले थे तब भी हमने भक्ति में कहा, हमारी अंतरात्मा जानती थी, तवमेव माता च पिता त्वमेव, तवमेव बंधु च सखा त्वमेव, तवमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तवमेव सर्व मम देवते। पिता बैठा है फिर भी हमने कहा कि तू ही पिता है, तू ही माता है, हमें क्या जरूरत थी ये बात कहने की, जब हमारे पास पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, सखा है। अंतर आत्मा जानती थी कि ये सच्चे नहीं है, सच्चा वही है। और जब ज्ञान मार्ग में आए तब तो पता ही पड़ गया कि अरे यूं ही बोझ ढो रही है, एक भी अपना नहीं है, एक भी सच्चा नहीं है। और वो देखो निराकार होते हुए भी कैसे साकार की तरह से सारे रिश्ते निभा रहा, कैसे माँ बन करके गोद में ले रहा है, पिता बन के कंधे पे बिठा के कहता है मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे, मेरे से भी आगे, मेरे से भी ज्यादा महिमा मेरे बच्चों की। भाई बन के हमारे साथ खेलता है, सखा बन के हमारी उदासी दूर करता है, साजन बन के हमारा श्रृंगार करता है, टीचर बन के हमको पढ़ाता है, सतगुरु बन के हमारा आगा संवारता है,
21 जन्म पूरे 5000 साल, वही मार्गदर्शक है, वही सर्जन है, वही रक्षक है, वही बॉडीगार्ड है, वही पालक है, सब काम कर रहा है। जिनके कान है वो हमारी बात नहीं सुनते, और जिसको कान नहीं है वो सुन लेता है। जिसको आंख है वो हमारे दुख नहीं देख पाते, और जिसको आंख नहीं है वो हमारे दुख की एक एक परत को जानता है। जिसके हाथ हैं वो मदद के लिए आगे नहीं आते, और जो बिना हाथ वाला है हमेशा सामने खड़ा रहता है। तो सच्चा कौन हुआ? सच्चा तो एक परमात्मा ही है। जब रामायण की शुरुआत हुई थी 87 में, रामायण सीरियल आप सबने देखा है, तो उस समय हम चंडीगढ़ में थे, और चंडीगढ़ में टीवी देखना बिल्कुल मना था, था ही नहीं टीवी, सख्त पूरे पंजाब में ही मना था। तो आप यूं समझिए कि हम केवल सुनते थे कि कोई रामायण सीरियल बना है। फिर जब मैं मधुबन में गई 2000 में, तो वहां पे यूट्यूब और ये सब तो नहीं थे, लेकिन एक भाई के पास सीडी थी रामायण की सारी, वो कंप्यूटर में देख सकते हैं। और मुझे बताया गया था कि दादी ने सारे मधुबन वासियों को रामायण दिखाई थी, तो मैंने सोचा दादी ने दिखाई सबको, तो मतलब दादी की श्रीमत प्रमाण देखी गई है तो मैं भी देख सकती। तो मैंने रामायण देखी। रामायण में जो सीता का रोल प्ले करने वाली बहन है उसका रोल मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे ऐसे लगता था कि सचमुच कि ये सीता है, ये तो सीता ही है, मतलब उसकी सॉफ्ट आवाज और उसका वो सब कुछ, ये तो सीता ही है। भ्रम हो गया मुझे, ज्ञान वाली बहन को भी भ्रम हो गया कि ये सीता ही। लेकिन हुआ क्या कि किसी कारणवश मुझे एक टीपू सुल्तान है, मैसूर का राजा था, हैदर अली का बेटा, तो वो टीपू सुल्तान की इतिहास की कोई जानकारी चाहिए थी, वो सीडी देखने को मिली, और उसमें इसी बहन ने हैदर अली की पत्नी का रोल प्ले किया है। और जब हैदर अली की डेथ हुई तो एक फुट फुट के रो रही थी, मैंने कहा अरे काहे की सीता, ये तो कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी भाई, ये तो पैसे कमा रही है, और मेरा भ्रम टूट गया, ये तो रोल प्ले हो रही है पैसे कमाई के लिए, ये लोग एक्सपर्ट है, कोई भी डायलॉग बोल देते, कैसा भी रूप धारण कर लेते। तो जैसे एक एक्टर कुछ भी बन जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बूढ़ा जवान गरीब अमीर, ऐसे हम भी जन्म जन्म शरीर धारण करके कभी माँ बने, कभी बाप बने, कभी बेटा बने, बेटी बने, दादा बने, दादी बने, और हम उन रिश्तों में उलझ जाते हैं। लेकिन असल में हम केवल एक आत्मा हैं, एक्टर हैं। अभी अमिताभ बच्चन ने कई रोल प्ले किए, एक फिल्म में वो कुली बना, एक में वो पुलिस इंस्पेक्टर बना, एक में वो मान लो राजा बना। कुछ उससे पूछो भाई तुम कौन हो इनमें से, मैं इनमें से कुछ भी नहीं, ये तो मेरे रोल। तो ये रोल, इसलिए रोल में उलझना नहीं है, रोल को रोल समझ के प्ले करो, साक्षी होके और डिटैच हो जाओ। तो ये रिश्तों की असलियत है। कोई भी रिश्ता कभी भी साथ नहीं निभाएगा, कितना भी क्लोज। एक राजा था, उसकी एक रानी थी। एक दिन वो रानी राजा को भोजन खिला रही थी, तो राजा ने कहा एक चपाती और, एक चपाती और। तो रानी को हंसी आ गई,
राजा ने पूछा आप हंसे क्यों? रानी ने कहा इसका जवाब मैं नहीं, मेरी बहन देगी जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूसरे राज्य में है। समझो यहाँ से मोहाली है, इतना दूर कोई दूसरा राज्य था, या मोहाली से थोड़ा और आगे ले लीजिए, अम्बाला ले लीजिए। तो राजा ने रथ तैयार किया, बोला हंसी का कारण तो मैं जानना चाहूंगा, और उसकी बहन के पास पहुंच गया। बहन ने राजा को देखा और देखते ही कहती है, अच्छा आप आ गए, आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए ना? राजा ने कहा भाई ये तो त्रिकालदर्शी, मेरे को देखते ही इसे कैसे पता पड़ गए? बोली मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर थोड़ा ठहर कर। राजा को बिठाया, रात को 8-9 बजे आई, कहती है महाराज आज मैं एक राजकुमार को जन्म दूंगी, और जैसे ही उसका जन्म होगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उसके 20 साल बाद यहां से 20 किलोमीटर जो एक और राज्य है वहां मेरी शादी होगी, जन्म देने के बाद मैं उस राज्य में जन्म लूंगी, 20 साल बाद मेरी शादी होगी, जब शादी हो तब आप आना, तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो राजा ने सोचा कि पहले मैं ये तो देख लूं कि इसने अभी अभी जो बात बताई वो सच्ची होती है क्या। तो राजा तो वही था, रात को 12 बजे उस बहन ने बच्चे को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा भाई इसकी एक बात तो सच्ची सिद्ध होगी, चलो अब दूसरी बात भी देख लेता हूं, वो जो एक और राज्य है वहां कन्या जन्म लेती है क्या? तो देखा हाँ, साल भर बाद वहां एक कन्या ने जन्म ले ली। राजा ने कहा दो बातें तो सच्ची सिद्ध होगी, अब मैं 20 साल इंतजार कर लेता हूं, 20 साल तो देखते देखते गुजर गए, और इसको भी निमंत्रण आया कि हमारी कन्या की शादी है, तो ये पहुंच गए। और वहां जाके उसने कहा तुमको याद है? बोली हाँ मेरे को सारा याद है, लेकिन मैं तुमको जो बताना चाहती हूं वो ध्यान से सुनो, आज मेरी शादी किसके साथ हो रही? ये वही राजकुमार है जिसको मैं जन्म दे के आई थी, पिछले जन्म में मैं इसकी मां थी और इस जन्म में मैं इसकी पत्नी बन रही, और महाराज आपकी पत्नी क्यों हंसी थी? इसलिए हंसी थी कि पिछले जन्म में वो भी आपकी मां थी और आप छोटे से बच्चे थे, जब आपको वो खाना खिलाती थी तो आप भाग जाते थे, एक ग्राही खाते थे और भाग जाते थे, एक ग्राही खाते थे और भाग जाते थे, वो पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से आपको खाना खिलाते थे, लेकिन जब आपने कहा एक चपाती और एक चपाती और, तो उसको हंसी आ गई कि वही बच्चा जो ग्राही खाता नहीं था। लेकिन उस समय आपको ये बात नहीं बतानी थी क्योंकि आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत थी, आप राजा थे, आप एक राज्य का संचालन कर रहे थे। अगर मैं उस समय आपको ये बात बता देती तो आपको वैराग्य आ जाता, आप पत्नी को छोड़ देते। आज आपका बच्चा बड़ा हो गया है, गद्दी पर बैठने लायक हो गया है, अब आप उसे गद्दी पे बिठा के वैरागी बन सकते। तो राजा को सचमुच वैराग आ गया, उसको ये भाव बैठ गया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी माँ है। तो बाबा ने भी हमको क्या जगत बताया, जगत जिसको आप पत्नी मानते हो सकता पिछले जन्म में आपकी माँ थी, बहन, कुछ भी थी, सब कुछ सर्कुलेट होते होते
चेंज होते होते कुछ भी बन जाता है। किसी ने तो हमको ये भी सुनाया था, मालूम नहीं सच्चा है कि झूठ, किसी अनुभवी ने सुनाया था कि आजकल कलयुग में जो पति पत्नी बनते हैं ना, वो पिछले जन्म के शत्रु होते हैं। कि पिछले जन्म में जो लड़ाई झगड़ा चालू था उसका एपिसोड बाकी था, तो एपिसोड पूरा कैसे हुआ? जब वो दोनों निकट आए, भाई बहन में ऐसा झगड़ा नहीं होता, भले भाई बहन मारपीट कर लेते हैं पर मन मुटाव नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, मतलब शत्रुता नहीं होती है। तो वो जो एपिसोड है शत्रुता वाला, वो तभी पूरा हो जब आप इस रिश्ते में बंधे, कोई काट काट के संदूक में बंद कर दे, कोई काट काट के फ्रिज में रख दे, कोई काट काट के जला दे, ऐसा भाई बहन नहीं करते। आज तक एक भी केस नहीं हुआ किसी भाई ने बहन को ऐसे काट डाला हो, किसी बहन ने भाई, भले बोलना बंद कर देंगे, बहन भाई के घर नहीं आएगी, घर नहीं आएगी तो भी प्रार्थना करेगी मेरा भाई सुखी रहे भले मैं ना जाऊं। एक अंदर की शुभ भावना, शुभ कामना इस रिश्ते में हमेशा होती है। एक ही रिश्ता है जिसमें भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति होती। तो देह के संबंध कोई भी हो उनसे डिटैच, देह से डिटैच, देह के संबंधों से डिटैच और देह के पदार्थों से डिटैच। देह के जो पदार्थ, कितनी तरह की चीजें देखो हमारे चारों ओर है, दुनिया के बाजार चीजों से भरे पड़े हैं, कंपनियां नित नई चीजें बनाती हैं। कोई कहता है ये घड़ी देखो बहन जी कैसी आधुनिक है, इसमें ये फैसिलिटी है, ये थर्मस देखो ये टेम्परेचर बता देता है, रूम टेम्परेचर। कंपनी नई नई चीजें निकालती हैं, लोग खरीदती हैं, एक थर्मस पड़ा है फिर एक और खरीद लिया क्योंकि वो नए प्रकार का है, नहीं तो कंपनी वालों की कमाई कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, जेब से पैसे निकालने के लिए भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। लेकिन क्या चीजों में सुख है? ये गुलदस्ता है, क्या इसमें सुख है? सुख तो आत्मा का एक इंग्रेडिएंट है, सुख तो आत्मा की एक प्रॉपर्टी है, आत्मा सुख स्वरूप है, अनादिकाल से उसमें सुख भरा हुआ है, वो उसका निजी गुण है जिसको कोई निकाल नहीं सकता, कोई डाल नहीं सकता, आत्मा की अपनी चीज है सुख या खुशी, वो बाहर से नहीं ली जा सकती। लेकिन जो चीजें होती हैं, ये तो फूल का गुलदस्ता है, मान लीजिए कोई प्लास्टिक का गुलदस्ता रखा हो, एक प्लास्टिक का गुलदस्ता एक कंपनी बनाने की योजना बनाती है, चलो अपन गुलदस्ता बनाने की एक फैक्ट्री चालू करते हैं, तो मालिक सबसे पहले क्या सोचेगा? सबसे पहले ये सोचेगा कि अगर मैं एक गुलदस्ता बनाऊं तो मुझे बचत कितनी होगी, मतलब प्लास्टिक लाऊं उसको गुलदस्ते में ढालूं, फिर कुछ वर्कर्स होंगे जो उसके फूलों को जोड़ेंगे, तो सारा मिला करके एक गुलदस्ते पे मेरा 5 रुपया खर्चा आएगा, और मैं तो थोक में बेचूंगा, फैक्ट्री वाला हूँ तो कम से कम 10 में तो बेचूं, तो एक गुलदस्ते पे मेरे 5 रुपए बचेंगे, और अगर एक दिन में फैक्ट्री 1000 गुलदस्ते बनाए तो 5000 गुलदस्ते बचेंगे। तो जो मालिक है उसकी बुद्धि में फैक्ट्री लगाते समय क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। उसका जो हर एक्शन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो फैक्ट्री लगा रहा है, वो वर्कर्स को बुला रहा है, वो बिल्डिंग बना रहा है, वो मशीनें खरीद रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। उसके बाद आसपास के लोगों को बुलाया, भाई गुलदस्ते जोड़ने आ जाओ, सुबह सुबह अपना टिफिन लेके मजदूर लोग फैक्ट्री की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में क्या है? अगर हमने सारा दिन में
100 गुलदस्ते जोड़ें तो एक गुलदस्ते के 2 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए की कमाई होगी। तो घर से निकलते हैं, आज तो 100 गुलदस्ते जोड़ने हैं, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए मिलेंगे। अरे आज तो 90 ही जुड़े, 180 ही मिले, कल और जल्दी आएंगे। तो मजदूरों के मन में भी प्रॉफिट, गुलदस्ता जोड़ते समय भी प्रॉफिट प्रॉफिट, धन धन धन। अब गुलदस्ते जुड़ गए, अब कोई थोक वाला 10 रुपए के हिसाब से उस गुलदस्ते को ले गया, उससे रिटेलर ने खरीदा, वो कहता है भाई मैं 15 रुपए का एक गुलदस्ता दूंगा, तो रिटेलर कहता है मैं 20 में बेचूंगा। अब वो रिटेलर अपनी दुकान पे गुलदस्ते को रख के बैठा, 20 का गुलदस्ता, 20 का गुलदस्ता। अब कोई माता बहन कोई भाई आया और वो गुलदस्ता खरीद के ले गया, बड़ा सुंदर, बड़े फूल सुंदर। और जैसे ही घर में प्रवेश करेगा, घर के लोग सबसे पहले ये पूछेंगे कितने का लाया, क्योंकि उस पे वाइब्रेशन धन की, पैसे की, कितने का लाया। ये तो मैं आपको 10-20 रुपए के गुलदस्ते की बात कर रही हूँ। मान लो गुलदस्ता 1000 का है, 2000 का है, बहुत बढ़िया है, उसकी भी स्थिति तो यही होती है। लेकिन अब जो घर में लोग देखने वाले हैं, बढ़िया गुलदस्ता है, आपने उसको रख दिया, आपकी कोई फ्रेंड मिलने आई, अरे इतना बढ़िया गुलदस्ता कहाँ से लाई, मेरे को दे देना। एक तो ये बोलेगी, दूसरा मन में सोचेगी घर तो इतना सुंदर नहीं है, गुलदस्ता इतना सुंदर। तीसरा सोचेगी इसके आदमी की इतनी आमदनी तो है नहीं, ये भला 2000 का गुलदस्ता कैसे खरीद सकते। चौथा सोचेगी मैं इससे भी बढ़िया लाऊंगी, जब ये मेरे घर में आएगी ना तो इसको इससे भी बढ़िया दिखाऊंगी। अब उसको भी रीस लग गई, वो भी गुलदस्ते ही ढूंढ रही है बाजार में, उसको नीचा दिखाने के लिए उससे बढ़िया ढूंढ रही है, और वो भी घर में झगड़ा कर रही है कि मुझे गुलदस्ता लाना है, 2000 रुपए दे दो। और जब आ जाएगा तो वो सबको दिखाए, खास उसको तो बुलाएगी और गुलदस्ता दिखाएगी। लेकिन इस गुलदस्ते के साथ एक चिटकी लगानी चाहिए कि इसको प्राप्त करने में कितने दिन रोना पड़ा, रूठना पड़ा, कितने दिन घर में झगड़ा करना पड़ा, तब जाके ये गुलदस्ता है। सब चीजों की यही कहानी है, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन। हम चीजों के आधार पे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चीजें कंपनी बनाती है, कंपनी ने तो पैसा जेब में डाल लिया और अपना बेटा विदेश भेज दिया हमसे पैसे कमा कमा के, और हम देखो आपस में चीजों के आधार पे शत्रुता कर रहे हैं। चीजों में सुख नहीं है, चीजें कॉम्पिटिशन में लाती है, चीजें दिखावा पैदा करती हैं, चीजें अहंकार पैदा करती हैं, चीजें धन का दिखावा पैदा करती हैं। अगर चीजों में सुख होता तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला तो सारा दिन सुख में झूमता, क्योंकि इतनी चीजें भरी पड़ी हैं उसके पास। मॉल वाला तो शायद फरिश्ता ही बन जाता, इतनी चीजें मॉल में भरी पड़ी, क्योंकि चीजों से सुख के वाइब्रेशन आते रहते, टेंशन के वाइब्रेशन आते हैं, ये बिकी नहीं, ये महंगी हो गई, इसे कोई खरीदता नहीं है, इसको कैसे निकालूं। फिर वो सेल लगाते हैं 10 रुपए में, 100 रुपए में, हर एक चीज 100 रुपए में, कितना टेंशन है। और टेंशन से कमाया गया पैसा घर में टेंशन लेके आता है, शांति की रोटी थोड़ी। तो पदार्थ, देह के पदार्थ, किसी पदार्थ में सुख नहीं। हाँ कुछ पदार्थ हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य है, अब आपके चप्पल जूता अनिवार्य है, पर कितना जोड़ा, एक जूता एक चप्पल सर्दी में और गर्मी में केवल एक चप्पल बस। पर आप कहते हो ए डिजाइन ए कलर, तो भाई
आप जूतों की सेवा कर रहे हो कि जूते आपकी सेवा कर रहे हैं? रोज रैक में कपड़ा मारना पड़ता है, आप उनके नौकर, वो आपके मालिक बैठे हैं आराम से, आप रोज कपड़े मारते हैं, वो राजा, आप सेवक। तो क्या इसलिए हम धरती पे आए थे कि जूतों की सेवा करें? अलमारी में कपड़ों का ढेर, ये हैंगर पे डालो, वहां डालो, इसको नीचे रखो, जगह नहीं है, ऐसी पपोड़ पपोड़ के संभाल संभाल के रख रही है। उन कपड़ों की सेवा के लिए हम धरती पे आए, जरूरत की चीज रखनी है, लेकिन आवश्यकता और इच्छा, आवश्यकता और दिखावा, आवश्यकता और अहंकार। मैंने 10,000 का कपड़ा पहना और मैं ऐसे उचक उचक के चल रही हूँ कि कोई देखे तो सही। भाई जिस कंपनी ने वो कपड़ा बनाया उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। वो कपड़ा मेरा थोड़ी, मैंने थोड़ी बनाया। मेरी चीज क्या है? मेरी चीज, व्यक्तिगत चीज जिसका मुझे दिखावा करना है, वो है मेरा प्रेम। वो कोई कंपनी नहीं बना सकती। मेरे हृदय में निस्वार्थ प्रेम है, इतना प्रेम है, सागर जितना प्रेम है, उसमें प्रेम की हिलोरें उठ रही हैं। उस प्रेम में हर कोई समा रहा है, कोई भी आए समाए, न तो इससे कोई ईर्ष्या करेगा, और अगर इसकी कोई बराबरी करे तो वाह वाह, वो भी प्रेम का सागर बन जाए। मेरी अपनी चीज है शांति, कुछ भी हो जाए मेरी शांति नहीं खो सकती, ये तो मेरी दौलत है, इसे कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं बनाती। मेरी अपनी चीज है, मेरी अपनी दौलत है, मेरी अपनी पूंजी है, मैंने कमाई है। मेरी पूंजी को कोई चोर छू नहीं सकता। मुझे अपनी पूंजी पे गर्व है, मेरे पास इतनी शांति है कि मैं भी शांत रहूं और दूसरों को भी दे सकूं, इसलिए मैं अमीरों में परम अमीर हूं। ये है, इसका मैं जितना मर्जी दिखावा करूं कर सकती, नो साइड इफेक्ट। तो जो मेरी मूल गुण है, मैंने उनको कितना डेवलप किया। चीजें तो इकट्ठी कर ली, मकान तो बहुत बड़ा बना लिया, फैसिलिटीज तो बहुत बना ली, पर मेरे निजी गुण, कार को किसी ने हाथ लगा दिया तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर। अब वो चीजें मुझे क्रोध दे रही हैं, वो चीजें मुझे इरिटेशन दे रही हैं, वो चीजें मुझे ईगो दे रही हैं। उन्होंने तो मेरी सारी संपदा ही लूट ली, मेरी शांति ही लूट ली। तो चीजों में सुख नहीं है, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख का भंडार हूं, मेरा एक एक संकल्प सुख में भीगा हुआ है। मेरे भीतर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो सुख के हैं। मेरे नजदीक कोई बैठ जाता है तो उसे सुख का एहसास होता है, जैसे बर्फ के नजदीक कोई बैठे तो उसे ठंडक मिलेगी, मिश्री को कोई मुंह में रख ले तो उसे मिठास मिलेगा, कोयले के पास बैठ जाए तो गर्मी मिलेगी। तो सुख मेरा निजी गुण है। तो बाबा ने कहा देह के पदार्थों में सुख नहीं है। एक घटना याद आ गई, सुना देती। 7:45 बज गए, कोई बैठेगा या पूरा करूं? बैठे। एक बार मैं सागर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, उसमें गई थी। वहां एक नया नया मेडिकल कॉलेज बना था, उसके डीन ने वहां की बहन को कहा था कि आपके यहाँ कोई फैकल्टी आए तो हमारे कॉलेज में लेके आना, बच्चों को मेडिटेशन सिखा। तो बहन ने मुझे कहा आप चलोगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे। टाइम ले लिया, उसने टाइम दिया जी 10:30 का। तो बहन जी ने कहा इन लोगों की औपचारिकताएं बहुत होती है, अपन 9:30 ही वहां पहुंच जाती है। तो हम 5 बहने थी, 4 वहां की, 1 मैं, 9:30 पहुंच गए। तो डीन के एक असिस्टेंट थे, उसने कहा डीन साहब कहीं गए हुए हैं, मुझे ड्यूटी देके गए हैं। अच्छा आप अपना बायोडाटा बताओ।
तो पांचों बहनों के बारे में उसने कुछ 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 थोड़ा थोड़ा लिखा। अब लिखने में आधा घंटा हो गया, 10 बज गए। फिर कहती है कि ऑडिटोरियम ना तैयार नहीं है, मैं जरा देख के आती हूँ, वहाँ अपन प्रोग्राम करेंगे। तो वहाँ बैठ गए, वो ऑडिटोरियम को तैयार कराने चली गई। 11 बजे आई, कहती है चलो तैयार। हम चले उसके साथ, वहाँ जाके देखा कि अभी माइक वाला हेलो हेलो कर रहा था और स्वीपर अभी भी पोछा पोछा लगा रहा था। हम थोड़ी देर बाहर खड़े रहे, स्वीपर चला गया, फिर हम वहाँ बैठे। उसने कहा भाई माइक चेक कर लो। 10 मिनट उसने माइक चेक करने में लगा दिए। बोला मैडम ये तो माइक ही नहीं चल रहा। इतनी देर में 11:30 बज गए। तो मैडम ने मुझे कहा कि आप बिना माइक के बोलोगी? मैंने कहा कितने बच्चे हैं? बोला यही कोई 100 बच्चे हैं। मैंने कहा 100 बच्चों के बीच में तुम माइक के बिना बोल लेंगे? तो बच्चों को बुलाया गया और 1 घंटा उनको हमने मेडिटेशन के बारे में कुछ बताया। 11:30 से 12:30 पूरा हुआ, फिर बच्चे चले गए। तो मैडम कहती है बहन जी एक बात बताओ, आप इस कॉलेज में 9:30 बजे आए और हमने आपको 11:30 बजे भाषण के लिए समय दिया और वो भी बिना माइक के, लेकिन मैंने देखा आप पांचों बहनों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, आप तो मुस्कुराई जा रही थी, कोई अधीर नहीं हुई, कोई टेंशन में नहीं आई। तो मैंने उसको पास में बिठाया, मैंने कहा मैडम आपने शुक्र है 11:30 बजे हमें भाषण के लिए टाइम तो दे दिया, आप 11:30 भी ना देते और हमें कह देते कि आज भाषण नहीं होगा तो भी हम ऐसे उछलते हुए वापस चले जाते, आपने हमारा लिया क्या? हमारा भाषण हमारे पास, हम कहीं और जाके कर देंगे। आप हमारा समय तो ले सकते हो पर आप हमारी खुशी थोड़े ले सकते हो, वो तो हमारी अपनी चीज हमारे पास। तो कोई हमारी आंतरिक शक्तियों में से कोई शक्ति ले सकता है क्या? वो मेरी अपनी चीज है। कोई हमें लेट करवा सकता है, कोई हमें हमसे धोखा कर सकता है, वो बाहर बाहर करेगा, वो मेरे भीतर तो नहीं जा सकता ना। और मैंने भीतर से दृढ़ संकल्प किया कि मुझे इरिटेट नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अशांत नहीं होना, तो क्या वो मेरे भीतर घुस सकता? आज बाबा ने कहा चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करो, सागर जैसे बन जाओ। सागर में लोग कीचड़ा डालते तो सागर बदले में कीचड़ा नहीं देता। तो लोगों के पास कीचड़ा है तो कीचड़ा ही देंगे, पर मेरे पास क्या है? मुझे अपनी दौलत देखनी, मेरे पास तो बड़ी अमूल्य चीज है। तो सुख अपने भीतर है और उस सुख को निरंतर बढ़ाते जाना, ये मेरा पुरुषार्थ है। आप जितना अपने मूल गुणों का चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस में लेके आएंगे, वो बढ़ते जाएंगे। जितना आप मूल गुणों को इग्नोर करेंगे उतना वो नीचे दबते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे और फिर ऐसे लगेगा जैसे है। तो घड़ी घड़ी क्या चिंतन करना है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर सुख की किरणें हैं, सुख मेरा मूल गुण है, मुझे इस दुनिया में अपने सुख के वाइब्रेशन का योगदान देना। दुनिया बहुत दुखी है और वो दुख दूर भी नहीं हो सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। आप उनको चीज देंगे, चीज तो खत्म हो जाएगी, फिर दुखी हो जाएंगे। चीजें देकर हम किसी को कब तक सुखी कर लेंगे?
इसलिए देखो द्वापर युग से बहुत दान हुआ, राजाओं ने बड़े बड़े दान किए, शर्फियां बांट दी, लेकिन दुनिया में सुख नहीं बढ़ा, दुख बढ़ता गया। कलयुग में तो दानी बचे ही नहीं, कोई मुट्ठी भर अनाज दान कर लेता है, कोई किताबें दान कर लेता है, जितना दान करता है उससे ज्यादा फोटो खिंचवा लेता है, वो तो वहीं खत्म हो जाता है। अब बाबा ने हमको कहा इन स्थूल चीजों का नहीं, लेकिन ज्ञान का दान करो, वाइब्रेशन का दान करो, आंतरिक शक्तियों का दान करो, तभी दुनिया सुखी होगी। हाँ, वो प्रक्रिया सूक्ष्म है, अब किताब पकड़ाने में तो एक सेकंड लगा, लेकिन सुख के वाइब्रेशन देने में और अनुभव कराने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे होम्योपैथी की गोली थोड़ा देर से असर करती है पर स्थायी असर करती है। मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा के जो बच्चे हैं वो सब होम्योपैथी की गोलियों जैसे ही है। ये सारा समाज बीमार है, कितना बड़ा समाज है, चंडीगढ़ की आबादी 14 लाख है, उसमें ब्राह्मण बच्चे मान लो 1,500 है। तो 80 किलो के शरीर को आधे ग्राम की गोली ठीक कर देती है होम्योपैथी, तो 14 लाख की भेंट में जो 1400 बच्चे हैं वो रेशियो यही तो पड़ता होगा। वो वाइट वाइट गोली होती है, हम भी सारे वाइट वाइट। तो एक गोली कितने सारे समाज को ठीक करती है, कितने सारे लोगों को ठीक करती है। गोली कोई खुशी से नहीं खाता, मजबूरी में खाता है। हमारी बातें शुरू शुरू में लोगों को बड़ी भारी लगती, डरता है हमें देख के, लेकिन जब खाने लगता है गोली आराम आता है तब तो कहता और दे दो। तो जब बातें सुनता है आनंद आने लगता है तब तो कहता है हमारे घर आ जाओ, हमारे ऑफिस में भी आ जाओ, हमारी फैक्ट्री में भी आ जाओ, हमारे रिश्तेदार के यहाँ भी आ जाओ। बाद में उसे लगता है कि ये गोली बहुत काम की है। वैसे भी साधु ज्यादा नहीं होते, कहते हैं लालन की नहीं बोरियां, और साधु न बसे जमाती, सिंघन के लहड़ा नहीं और हंसा न चले पराती। लालों की कभी बोरियां नहीं होती। लाल एक पत्थर होता है बहुत अच्छा, बहुत कीमती, पहले जेवरों में लगाया जाता था, महलों में लगता था, तो लालों की कभी बोरियां नहीं होती हैं। लाल तो बहुत थोड़े होते हैं, कहीं डब्बे में सजा के रखे जाते हैं। बोरियां तो आलू की होती हैं, भिंडी की होती हैं, करेले की होती हैं, पालक की होती हैं। उन बोरियों तक तो सबकी पहुंच, लेकिन लालों तक सबकी पहुंच नहीं होती। तो लालन की नहीं बोरियां और साधुना बसें जमाती, साधुओं के कभी गांव नहीं बसते, इक्का दुक्का साधु मिलेगा कहीं, और सिंघन के लहड़ा नहीं, शेरों के झुंड नहीं होते, झुंड गिदड़ों के होते हैं, हिरणों के होते हैं, और हंसा ना चले पर आती, हंस जो हैं वो कभी पंक्ति बना के नहीं उड़ते। आसमान में देखा ना पंछी पंक्ति बना के उड़ते हैं, चिड़िया होते हैं, कबूतर होते हैं, कवे होते हैं, कभी हंसों को आपने आसमान में उड़ते देखा? हंस अकेला होता मानसरोवर के किनारे, हंस का एक परिवार होता, हंस हंसिन। और मुझे सच झूठ का नहीं पता, पर किसी ने मुझे ये भी बताया कि हंस जीवन भर जिसको अपना साथी बनाता है उस एक ही साथी के साथ रहता है, बाकी पशु प्राणियों में ये नियम नहीं है, पर हंस इस नियम को निभाता है। तो हंस का एक जोड़ा आपको कहीं सरोवर के किनारे मिल जाए, तो हंसों के झुंड नहीं होते। जो अच्छी चीजें होती हैं वो कभी भी अधिक मात्रा में नहीं होती हैं, सच हमेशा अकेला चलता है। बाबा के बच्चे कोटो में को, को में भी को है, बाबा के चुने हुए रतन है, अमूल्य रतन है। बाबा यहाँ से शुरू करता है, मेरे सिर के ताज हो,
मेरे मस्तक की मणि हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे गले की माला के मणके हो, मेरे दिल तख्त पर विराजमान हो, मैं सारे नाम देता हूँ। तो हम एक एक स्वमान का अनुभव करते जाए और खुशी में झूमते रहे और ऐसे ही झूमते झूमते सतयुग आ जाए। ओम शांति।